राशन की कालाबाजारी करते हुए ट्रक को पकड़ा पुलिस ने, जब्त किया है। बड़ी बात यह है कि इस ट्रक के अंदर गरीबों का वे राशन मौजूद था जो उचित मूल्य की दुकानों से गरीबों को वितरित किया जाता है। बड़ी कार्रवाई इसलिए कहा जा सकता है कि ट्रक के अंदर 336 क्विंटल अवैध रूप से परिवहन करके चावल ले जाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि गुना जिले के राधोगढ़ से भोपाल की तरफ ये ट्रक निकला था। मुखबिर की सूचना पर चांचौड़ा पुलिस ने इसे बीच में ही धर दबोचा। मौके से चावल से भरे इस ट्रक को जब्त किया गया है। ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया गया है। बेशक इसे बड़ी कार्रवाई कहा जा सकता है, लेकिन इस कार्रवाई के बाद माफियाओं के नाम सामने नहीं आए हैं जो इस काले कारोबार में शामिल है। गुना जिले में कनेक्शन आखिर कहां तक फैला है और इसके पीछे जो लोग कालाबाजारी कर रहे थे, किसने ये ट्रक भेजा था और किस व्यक्ति ने इस चावल को खरीदा था, ये सवाल अनसुलझे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के सख्त निर्देश के बाद भी जिले में इस तरह की लापरवाही देखने को मिली है। निश्चित रूप से गरीबों के हक पर डाका डालने वालों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन को उन माफियों के नाम भी उजागर करना होगा जो इस कालाबाजारी के खेल में संलिप्त है और गरीबों के हक को बाजार में खुलेआम बेचकर खुद के जीवन भर रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में, क्योंकि सरकार इन गरीबों का पेट पालने के लिए राशन भेजती है और कुछ माफिया लोग इस राशन को भी बाजारों में बेच देते हैं। कालाबाजारी का ये खेल गुना का था जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है। आज रात्रि आज दिनांक 11/3/2023 को रात्रि में मुख्य सूचना पर एक ट्रक MH49BZ1181 को PTS के चावल का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया है। इसमें प्रथम दृष्टया अपराध पाया जाने से अपराध कायम करके विवेचना में ले लिया गया। लगभग कितना चावल इसमें इसने 336 क्विंटल चावल पाया गया है। गाड़ी सहित कीमत कितनी होगी? गाड़ी सहित लगभग कीमत इसकी 55 लाख के लगभग है और जिसमें कि चावल की कीमत 7,64,000 और 47 लाख के करीब गाड़ी की कीमत। किसी को हिरासत में लिया, किस प्रकार की कार्रवाई की? चालक को परीक्षा में ले लिया गया है और अग्रिम निवेशन जारी है। गाड़ी कहाँ की पाई गई? ये पासिंग तो महाराष्ट्र है, लेकिन ये मुद्दाई की गाड़ी है।